बड़े बड़े या छोटे छोटों की किस्मत चमक गई। सैम करन ने तो एक आदमी को रख भी लिया है जो तिलात आई है, उसने पैसे गिनने के लिए एक आदमी को ढूंढा है और उसे रख लिया है कि भाई ये जो मुझे 18.5 करोड़ इंडियन रुपीस मिलेंगे ये तुमने गिनने। उसने कहा मेरी नौकरी क्या है, ये तुमने गिनने, जब गिन लो तो मुझे बता के जो है फिर तुम चले जाना। अच्छा, उसको रखा भी एक साल के लिए इन्होंने, क्योंकि करेंसी छोटी वाली नहीं थी, बड़े नोट नहीं, छोटी मिले, चिल्लर चिल्लर मिलने का इनका रेजगारी मिले, रेजगारी तो सिक्के गिनने में 2.5 साल तो लगेगा ना यार, इतने सारे भाई 16 करोड़ में तो पूरन का चूरन बिका है, एक जजीरे का मालिक हो जाएगा वहाँ पे, बोले बिल्कुल बिल्कुल खरीद लेगा वो। हाँ ये बात पूरन का जजीरा, हाँ पूरन, वो जजीरा पूरन का होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वैसे, पूरन तश्तरी आ जाएगा, हाँ ओड़न ओड़न तश्तरी की टक्कर पर। भाई बहरहाल भाई बड़े बड़ों की हैरी ब्रूक, अच्छा एक बड़ी एक वो वीडियोग्राफी सी थी जिफ बना के हैरी ब्रूक और करण एक दूसरे को पैसे मार रहे हैं, 13.25 करोड़ तो हैरी ब्रूक को भी मिले माशाल्लाह, मतलब मिले हैं यार अभी भाई, मिल जाएंगे या उस टीम का बैन स्टोक्स है उनके पास, जबरदस्त एडिशन है चेन्नई सुपर किंग के लिए यकीन जी। धोनी ने कुछ सोच, आपको पता है धोनी बगैर सोचे कोई काम, धोनी सोच का दूसरा नाम, सोच का दूसरा नाम क्या है धोनी, और धोनी ने उनको लिया खा, कहा गया है कि बाकायदा फोन करके उन्होंने बैन स्टोक्स के बारे में जो है ये कहा है कि ये मुझे चाहिए हर सूरत। अच्छा। से ठीक है, जिस तरह से बैन स्टोक्स आए उधर, जो चिल्लर बच गया था जो रूट का, ठीक है लिटिल यंग का कौन सा था वो जॉस लिटिल भी बिक गया भाई, बिक गया ठीक है, मुरगवान अश्विन वो बिक गया, वो भी बिक गया, छोटे मोटे छोटे मोटे रह गए, तो इक्का दुक्का एक दो रह गए, शेख रशीद भी निकल लिया, एक दो रह गए जो कि विल जैक्स, यार विल जैक्स भी बिक गया यार, मतलब 3.25 करोड़ उसमें उठाया है आरसीबी ने, 15-20 लाख का भी आइटम नहीं छोड़ा, वो भी चिल्लर भी किसी ना किसी ने लेकर अपने अपने 25 पूरे कर लिए इन्होंने, 25 तो पूरे कर लिए, 25 तो बहुत सौ ने पूरे किए हैं, इतनी बिगेस्ट डील है ये, इसकी बात मैं क्या बताऊं, क्रिकेट सिकंदर रजा को भी खरीद लिया भाई पंजाब ने, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों ने छुपकर ये तकरीब देखी होगी कि अगर मैं मेरा घंटा होता तो कितने का होता, हाँ अभी ये बातें होती थी, इमेजिनेशन तो मेरे घंटे के फैंस में फौरन आती है ना, 1.25 करोड़ में घंटा होता तो कितने का, वो रुपीज का भी फर्क आता है, एक बात बताऊं लोगों को कॉमन सेंस से सोचना चाहिए, इंडियन रुपी पाकिस्तानी रुपी से 2.7 समथिंग है, तो बात यह है कि बाबर आजम या इस टाइप का कोई प्लेयर भी होता तो एक दो 3 करोड़ 4 करोड़ से ऊपर का, वैसे सस्ता नहीं है, नहीं नहीं आप समझे नहीं भाई, पाकिस्तानी रुपए में वो 12 करोड़ बन जाते हैं, 2 करोड़ का तो बल्ला जाएगा उसका, किसका, तो बाबर का, वो उनका नहीं है, गिरे निकल्स वाले लगाते हैं स्पीकर, 2 करोड़ का तो बल्ला जाएगा, हाँ 2 करोड़ से वो खेलेगा कम से कम 4 करोड़ भाई, मैं बता रहा हूँ थोड़े दिन में चने भी मिल गए ना, ये भी बड़ी बात है जो मुझे आसान लग रहे हैं, बाबर के साथ पैकेज भी जाएगा उसको, हाँ पैकेज है ना पूरा, इमाम तू भी आ जा, अब्दुल्ला तू भी आ जा, मतलब आज तू मेरा मैच विनर है तू भी आ जा, हसन तू भी, जनरेटर की भी जरूरत पड़ेगी अच्छा वाला, होंडा का ले लेंगे हम लोग जापानी, अगर मैं फेल हूँ तो जनरेटर चला के दिखा दू, मैं खुश हो जाऊंगा, बजाऊंगा, कोई उसे प्यार कर कोई जा निसार करे, देख के उसको तो कहते हैं लोग भला, बैन स्टॉक बैन स्टॉक बैन स्टॉक बिक गया, बैन स्टॉक बैन स्टॉक बैन स्टॉक बिक गया। 2023 IPL आने वाला है और दोस्तों कुछ खिलाड़ी हैं जो बिक चुके हैं और उसमें पैन स्टॉक भी बिक गया भाई सुना है चेका से पैसे लग गए पैन स्टॉक के और पाकिस्तानियों को स्पेशली ये बता देना चाहता हूं कि पैन स्टॉक पे जो पैसे लगे वो इस वजह से नहीं लगे कि अच्छा प्लेयर है वो इस वजह से लगे कि तुम्हें मस्त धोया है मजाक कर रहा हूं यार दिल पे नहीं लो भिखारी हो इतने आरामी हो दिल पे ले लेते हो पैसा 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 इतना पैसा कि बेन स्टोक्स की बात कर लें आप CSK के ऊपर के लिए गए हैं और मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी बेन स्टोक्स की ये CSK की पिक है क्योंकि लेकिन बेन स्टोक्स की जो आगे की इन्वेस्टमेंट है CSK की वो बहुत ज्यादा काम करेगी और भैया पैसा ऐसा वैसा नहीं है ये पैसा बहुत बड़ा पैसा है 16.254 हाईएस्ट मेरे ख्याल से जॉइंट थर्ड मोस्ट एक्सपेंसिव बाय इन IPL हिस्ट्री
जितने भी आईपीएल्स हुए हैं 15 सालों के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा तीसरे नंबर के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। लेकिन पैसा तो हैरी ब्रूक ने भी बहुत बनाया, पैसा तो सैम करन ने भी बहुत बनाया, 17.50 कैमरन ग्रीन ने बनाए, 5.75 जेसन होल्डर, 50 लाख में सिकंदर रजा। वही वाली बात है ना कि भैया का नाम नहीं है, छोटी टीम से आ रहा है तो जी 50 लाख रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीद लिया, लेकिन जो सिकंदर रजा की जो वो है ना यूटिलिटी है, वो मेरे ख्याल से बहुत काम आएगी। गुजरात टाइटन्स के लिए भी एक अच्छी बाय आउट हुई है यहाँ 50 लाख रुपए में ऑडियंस पे, जो कि मुझे लगता है एक डिसेंट अमाउंट है। सैम करन अभी तक के इस इंटरनेशनल फॉरेन रोस्टर में मेरे ख्याल से वन ऑफ द एक्सपेंसिव प्लेयर, 18.50, तो कॉस्टलीस्ट प्लेयर इन द सबसे महंगा प्लेयर आईपीएल की हिस्ट्री के अंदर वो बन गया सैम करन, 18.50 CR INR। हमारे पाकिस्तानी में तो बहुत सारे बनते हैं, 60 करोड़ रुपए बनते हैं, तो अपने में मिस्टर बजाज, तो आज से सैम करन अपना नाम रख दे सैम, मिस्टर सैम बजाज करन, तो बजाज करन बन चुके हैं सैम करन, और 18.50 करोड़। जिस तरह मैंने शुरू में बोला कि 65 करोड़ रुपीज तो सिर्फ डिवाइड हुए हैं इन चार प्लेयरों के अंदर, जिसमें हैरी ब्रूक 13.25 लेकर गया है, और लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा अफसोस है ना वो राइली रोसू का है, कि वही वाली बात है ना, बड़ा नाम केन विलियमसन 2 करोड़ रुपए में बिक सकता है, हालांकि पिछले साल ये मेरे ख्याल से 11-16 करोड़ रुपए बिका था 2022 में, इस बार 2 करोड़ रुपए पे, लेकिन राइली रोसू मेरे ख्याल से सोल्ड आउट, उसका अनसोल्ड जाना वो मुझे मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा शॉकिंग है। लेकिन अब जो मुंबई इंडियन है ना, वो कैमरन ग्रीन को उठा के उनकी मुझे सबसे अच्छी, और एक CSK की बेन स्टोक्स की पिक, उनको पता था कि उनको चाहिए क्या और उन्होंने वो उठाया, हालांकि लोग यहाँ सोच रहे थे कि हैदराबाद के पास पैसा है, पंजाब के पास, हैदराबाद के पास